हज्जाज बिन यूसुफ, शायद आप में से ज्यादा लोग जानते हैं या नहीं, बड़ा शफाक आदमी था। उसके बारे में तारीख में मशहूर है कि ऐसा तारीख इंसानी ने उम्मत मुस्तफा में कोई जालिम बादशाह नहीं देखा। हज्जाज बिन यूसुफ लोगों को कत्ले आम करवाता, छोटी सी बात पर गर्दन उतार देना उसके लिए कोई मसला न था। एक मरतबा वो खुतबा देने लगा तो खुतबा से पहले किसी आदमी ने एक वर्के पर एक चिट पर लिखा कि जालिम तुमने मरना नहीं है, तुम इतने जालिम हो, इतने शफाक हो, इतने खून रेज हो, इतनी इंसानी जानों का कत्ल करते हो, और तो और रहा इसके हाथों से उलमा भी महफूज नहीं होते, इतना तुमने कत्ल किया, क्या तुमने मरना नहीं है? तो हम उस लिखने वाले ने कहा, मौत से पहले पहले तौबा करके उमर बन जाओ, उमर जैसा हाकिम बन जाओ। वो बड़ा ज़हीन था, उसने वो चिट पढ़ी, उसने कहा आओ हम एक मुआहदा करते हैं। वो मुआहदा ये करते हैं, तुम मुझसे मुतालबा करते हो कि मैं उमर बन जाऊं, तो मेरा मुतालबा एक तुम से भी है। क्या? उसने कहा ताअज़्ज़रु व अना अतअम्मरु, तुम अबू ज़र गफारी बन जाओ, मैं उमर बन जाऊं। उसने इशारा ये दिया कि ऐ लोगो, हुक्मरान तुम्हारे अमलों का नतीजा है। जब अबू ज़र गफारी अवाम बन जाए, हजरत अबू ज़र गफारी कबीला गफार के सरदार थे, बहुत खूबसूरत थे, इतना गोरा इतना प्यारा रंग था कि इनके हुसन को देखकर इंसान हैरत ज़दा रह जाता था। कबीले के सरदार थे और बहुत अल्लाह का करम, लेकिन जब इस्लाम कबूल किया तो फिर ऐसे फकीर बने कि जिंदगी में अपनी जरूरत से जायद कोई कोड़ी जमा न करते, बस इतना रखते जो खा पी लेते या पहन लेते, बाकी जो मुयसर आता वो सारा सदका कर दिया करते, और तारे को दुनिया बन के रह गए। उसने कहा उमर उमर इसलिए था कि अवाम अबू ज़र थी, अवाम दयानतदार थे, अवाम दुनियादार नहीं थे, अवाम अल्लाह से डरने वाले थे, अवाम ऐसी थी जिनके वादों में खिलाफ वर्जी नहीं थी।